नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूड लिगेसी चैनल पर। आज हम गणपति बाप्पा की फेवरेट खीर बनाने वाले हैं। एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है जो गणेश चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी के दिन प्रसाद में बनाई जाती है। ट्रेडिशनली ये खापली गहू, यानी मराठी में इसे खपली गहू कहते हैं और इंग्लिश में इमर स्वीट, इससे बनाई जाती है। पर जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे ये जो खापली गहू है मेरे नज़दीक के स्टोर में मिल नहीं रहा, इसलिए आज मैंने यहाँ पर दलिया का इस्तेमाल किया है। जैसे ही मुझे ये खापली गहू मिल जाता है, मैं आपसे उससे कैसे ये खीर बनती है उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप दलिया लिया है और जितना हम दलिया लेंगे उसकी आधी क्वांटिटी, यानी मैंने यहाँ पर 1/2 कप चावल लिए है। गेहूँ की खीर में चावल डालने से उसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ बन जाती है। साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी ताज़े कसे हुए नारियल की। मैंने नारियल भी 1 कप लिया है। आप इसकी क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें चाहिए जायफल और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए 1.5 कप गुड़। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप लिया है क्योंकि मैं मीठा कम पसंद करती हूँ। आप 1.5 कप डालिए, आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसमें खसखस भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए होगा 2-3 चम्मच घी। तो चलिए खीर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुकर में 1 कप गेहूँ और 1/2 कप चावल डाल दिए हैं। इसे हमें एक बार धो लेना है। कुकर का इस्तेमाल करने से हमारी खीर 1/2 घंटे में रेडी हो जाएगी। अगर हम इसे कढ़ाई या पतीले में बनाएंगे तो लगभग 1.5 घंटा लग सकता है। यहाँ पर मैंने चावल को और गेहूँ को धो लिया है। अब मैं इसमें लगभग 6 कप पानी ऐड करूँगी। आप अपने कुकर के साइज़ के अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिए, वरना सीटी के साथ पानी बाहर आएगा। हमें अंदाजन दलिया और चावल के ऊपर 2 इंच तक पानी की लेयर होनी चाहिए, इतना पानी डालना है। हमने यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। हमें 2 से 3 सीटी आने तक दलिया को पका लेना है और इसकी स्टीम जाने तक इंतज़ार करना है। यहाँ पर हमारी स्टीम निकल चुकी है, हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम उसका लिड ओपन करेंगे और चेक करेंगे। हमारा दलिया अच्छे से पककर तैयार है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और साथ ही इसमें हम ताज़ा कसा नारियल भी डालेंगे। आप चाहे तो नारियल को मिक्सर में भी ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब हमें खीर में गुड़ और नारियल को अच्छे से मिला देना है। दलिया अभी तक गर्म है, हमारा गुड़ ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हम इसमें 2 से 2.5 कप उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि दलिया में गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ाकर फिर से 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें खीर को लो हीट पर पकाना है। खीर में एक उबाल आ जाए और हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हमें गैस को ऑफ करना है। हमारी खीर उबलना स्टार्ट हो गई है और चेक करते हैं, हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी खीर बहुत ही स्मूथ बनी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। खीर ठंडी हो जाने पर और भी गाढ़ी बन जाती है, इसलिए आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स के साथ खसखस भी डाल सकते हैं। खसखस से खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें ड्राई फ्रूट्स को सुनहरा होने तक भून लेना है और खीर में डाल देना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स स्किप करना चाहते हैं तो आप घी को डायरेक्टली खीर पर ही डाल सकते हैं। घी डालने से हमारी खीर में एक ग्लेज आ जाएगा और इसकी टेस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और ये खीर हम गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए बना रहे हैं और घी, गुड़ और नारियल तो गणपति बप्पा के फेवरेट हैं। साथ ही हम इसमें जायफल डालेंगे, आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए 1 चुटकी नमक। मीठी चीज़ों में भी 1 चुटकी नमक डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी खीर रेडी है। अगर हम सारी खीर में अभी से दूध डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। आप इस खीर को 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। खीर को सर्व करते समय हमें इसमें ऊपर से ठंडा दूध डालना है और 1/2 चम्मच घी डालना है। हमारी खीर बहुत अच्छी लगेगी, आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी।
अगर आपने पहले कभी ये खीर बनाई नहीं है तो जल्द से जल्द ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। गणेश चतुर्थी या शंकर चतुर्थी के दिन बनाइए और गणपति बप्पा को प्रसाद में चढ़ाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आपके सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।